हेलो फ्रेंड्स, आज आम नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो ओडिशा रे एग्जाम होता तार एजुकेशन सब्जेक्ट रो 12 रु 25 नंबर जो क्वेश्चन अच्छे तार डिस्कशन करवा ता पूर्व आम मुण मन को कह रखा चाहूँगी कि आपण मैंने मो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो मु फ्यूचर आहरी वीडियो करी आपण मन को प्रोवाइड करी। तेणुकर आप रिक्वेस्ट अच्छे कि मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलो तो आरंभ करवा क्वेश्चन डिस्कशन। क्वेश्चन 12 अच्छी हु रोट एजुकेशन सुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग यहाँ किए लिखते मुझे यहाँ कही स्वामी विवेकानंद हम बोली यहाँ एक्चुअली ये देखो तार प्रूफ अच्छी स्वामी विवेकानंद सेड एजुकेशन सुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 13 नंबर क्वेश्चन हु हैज सेड एजुकेशन एज सच हैज नो एम्स एरो आंसर हो जॉन डेवी एरो देखो ये प्रमाण डेविस एजुकेशनल थियोरीज आर बेस्ड ऑन हिज फिलोसोफिकल एंड साइकोलॉजिकल आइडियाज स्टेटेड अबव टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द एजुकेशनल वर्ल्ड वाज डोमिनेटेड बाय द रिलीजियसली मोटिवेटेड मोरल एम द डिसिप्लिनरी एम एंड द इनफॉर्मेशनल एम। अब कौन डेविड डिस्कार्डेड ऑल दीज एम्स ऑफ एजुकेशन किए कौन कले जिते सब एम अच्छे एजुकेशनल एम से सब को डिस्कार करदे मैंने प्रत्याख्यान करदे डेवे से कथा ये पचार किए ये कहते जे एजुकेशन आज सच हैज नो एम्स एजुकेशन रो किसी एम ना यहाँ जॉन डेवी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 एजुकेशन इज द ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन द बेस्ट हैज 3 फैक्टर्स ये कहला जो एजुकेशन अच्छे मनीषर जो सब सब बेस्ट जिनस मनीष बा पिलार बाहर कर बाहर को आनी थाए से जो तीन टा बेस्ट जिनस अच्छे से बेस्ट मान कौन ये कौन बेस्ट मान हूँ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट यहाँ ठीक आंसर अच्छे। देयरफॉर गांधी डिफाइन्स एजुकेशन इन द फॉलोइंग वे बाय एजुकेशन आई मीन ऑलराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ एक्चुअल आंसर हो जॉन डेवी। देखो अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन व्हिच डज नॉट हैव ए सोशल सिग्निफिकेंस इज इनकम्प्लीट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स द सोशल सेटिंग इन व्हिच द एजुकेटर हैज एजुकेटर एंड एजुकेंट इंटरैक्ट मैं ये कहला तीन टा जो ट्राइपोलर रहा प्रथमटा है मैंने टीचर सेकेंडटा स्टूडेंट थर्डटा रहा तार सोशल सेटिंग माने एनवायरनमेंट यटा को कहुचे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 एजुकेशन बिगिन्स विथ बर्थ एंड द प्रॉपर नर्स इज द मदर इज रिटन बाय ये आंसर किए दे रुसो आ मु यार किसी मानने पाईपारे ना यहाँ यहाँ आप रहा यहाँ आपण मैंने जब आंसर जानते हैं यहाँ को कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज कॉन्शियसनेस एंड मैटर हु हैज गिवन ये जो यूनिवर्सटा अच्छे दुईटा मुख्यतः रियलिटी माने वास्तवता उपरे रही से दुईटा वास्तवता ये जो कही कॉन्सेप्टा किए दे एक्चुअल आंसर हो सांख्या यार एनालिसिस देखि दिखा सांख्या पोस्टुलेट्स दैट द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ टू इटर्नल रियलिटीज पुरुष माने सोल प्रकृति मैटर और नेचर द फिलोसोफर कपिला इज ट्रेडिशनली कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द सांख्या स्कूल ऑल्दो नो हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन इज पॉसिबल क्वेश्चन नंबर 18 इंडिविजुअलिज्म इज द बिलीफ्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माने ये आमर आंसर किए जैनिज्म बट
ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଉପରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଯେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ପାଇଲି ବହିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି everyone was responsible for his her or his or her own happiness in life, stressing on the individualistic components of buddhism। ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ରେ ଦିଆହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପାଇଛି, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇଜ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ନିଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ଆକ୍ସିଓଲୋଜି ଫର ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ଫର୍ ମେଥଡ଼୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଫର। ଏଇଟା କହୁଛି ଆକ୍ସିଓଲୋଜି ଯାହା ଅଛି ସେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଏମ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ତାପରେ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଏଜୁକେସନ୍ର ମେଥଡ଼୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ବଟ୍ ମେଟାଫିଜିକ୍ସଟା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଏଇଟା ସେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ହବ ଆନ୍ସର୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କି ଅଫିସିଆଲ୍ ଆସି ସେଥିରେ କରିକୁଲମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମିତି ପାଇଲି ମେଟାଫିଜିକାଲ ଲଙ୍ଗର ଡେଫିନେସନ୍। ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ବୁଝିବା, ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଅର୍ ଷ୍ଟଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ବ୍ରଡ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଡିଫାଇନ୍ ରିଏଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ମେଟାଫିଜିକ୍ସଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ଫିଲୋସଫି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲୋସଫି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ କରିକି ତାକୁ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ଏରିଆକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ହେଲା, ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ। ମେଟାଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଜେନେରାଲି ସିକ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ରିଏଲିଟି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ ବା ଗୁଣ ଥାଏ ସେଟାକୁ, ଆଉ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସ ପୁରା ଦୁନିଆର ଯେଉଁଟା ଇଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ରିଏଲିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲ ବାସ୍ତବତା ଯାହା ରହିଛି ତା'ର ସବୁ ସେଇଟା ହଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଟାଫିଜିକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଜିଲି ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଅର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍, ଆମେ ତାକୁ ଇଜିଲି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 20, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20ରେ ଦେଇଛି ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍, ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫିର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉଛି କ'ଣ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ନାଁ କ'ଣ ଯିଏ ଡିଲ୍ କରେ ନଲେଜ୍ ସହିତ। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଏହାର ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି। ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ନଲେଜ୍ ଉପରେ ଇଏ କରେ, ନଲେଜ୍କୁ ସହିତ ତା'ର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21, ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ କୁଡ୍ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆନ୍ସର୍ କିରେ ବି ଦେଇଛି ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏହାର ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହାଉ ପବ୍ଲିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆଉଟକମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଯାଇଛି ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କୁଡ୍ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦି ବୁକ୍ ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ୱାଜ୍ ଅଥର୍ଡ ବାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାର୍ବର୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି। ସେ ଇଂଲିଶ, ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଫିଲୋସଫର୍ ଥିଲେ, ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଥିଓରିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଅଥର୍ ଥିଲେ, ଏଡିଟର୍ ଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23କୁ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଇଲିମିନେଟ୍ ମେଥଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ଏଥିରେ, ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ୱାଇଡ଼ଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷା, ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷା, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ସ୍କୁଲ୍ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଜେନ୍ସି, ସେଠି ପାଠଟା ମେନ୍, ତା'ପରେ ତା ସହିତ
फैमिली फैमिली रे हमें बहुत जिनस शिखी था यहीटा ही ऑप्शन बी हम राइट आंसर नेशनल कैलामिटी एंड नेशनल आर्मी यहाँ तो किसी हेनी एटर किसी शिक्षा मिल न था यहाँ गोटे आमर कर्तव्य पालन हुए पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट ये आम ड्यूटी पालन कर स्कूल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकर ये भी किसी ठीक लगुनि तो जाए क्वेश्चन नंबर 24 को व्हिच वन इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज यही गोटे आमर अच्छे सोशल व्हिच वन इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज कौटा गोटे सोशल चेंज रो प्रोसेस नुह देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकुलराइजेशन सोशलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ये भर कौटा नुह तो ये आम ऑफिशियल आंसर किए देखिए सेकुलराइजेशन किंतु सेकुलराइजेशन एक्चुअली कौन देखा सोशलाइजेशन जनरली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस थ्रो व्हिच ए पर्सन एक्वायर्स द कल्चर और सब कल्चर ऑफ देयर ग्रुप एंड इन द कोर्स ऑफ एक्वायरिंग दिस कल्चरल एलिमेंट्स द इंडिविजुअल सेल्फ एंड पर्सनालिटी आर सेफ ये कहला सोशलाइजेशनटा कौन सोशलाइजेशन गोटे प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस गोटे सोशल गोटे इन्फ्लुएंस प्रभाव सोसाइटर गोटे प्रभाव अच्छे सोशलाइजेशन जहाँ द्वारा आम कौन गोटे पर्सन कौन करते आक्वायर करे गोटे कल्चर को बा सब कल्चर को अब जेता निज ग्रुप भी आक्वायर कर पारे अन्य कौन सी ग्रुप रि से किसी गोटे भल कथा जान ला से आक्वायर करा गोटे सोशलाइजेशन कौन सोशलाइजेशन गोटे प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एटा ठीक लगुच सोशल गोटे चेंज रोटे प्रोसेस अच्छी किंतु ये नॉट कही नॉट कही बट आंसर दे सोशलाइजेशन तेणुक ये हेनी ये गोटे नॉट सेकुलराइजेशन टा ठीक हम क्वेश्चन नंबर आम आसीज 25 व्हिच इज नॉट ए क्राइटेरियन यूज्ड कंसिस्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल इन ए पर्टिकुलर सोशल क्लास यहीटा को आम कह गोटे रेस बा रिलीजन बा नॉलेज बा वेल्थ ये चारिटा मध्य केवटा आम मेनली लोक मैंने यूज करूना गोटे सोशल क्लास क्लास भाव में धरूना जमीन रेस कहले गोटे जाति गोटे बड़ जाति छोट जाति रिलीजन कहले गोटे ये धर्म से धर्म दी तीन टा धर्म जैन बौद्ध हिंदू इस्लाम से जो धर्म सब अच्छी किंतु नॉलेज टा को तार किसी कम बेसी के धरूना वेल्थ रे धनी गरीब आसी जाते नॉलेज टा को मेनली के ताको काउंट करूना नॉलेज रे किए आसला कौन है से कथा ही ये पचार देख 2012 यूजीसी नेट रे क्वेश्चन टा पड़ा व्हिच इज नॉट अ क्राइटेरियन यूज्ड कंसिस्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल इन ए पर्टिकुलर सोशल क्लास तार आंसर भी अच्छी ऑप्शन सी नॉलेज एटा राइट आंसर ऑप्शन सी वीडियोटा को देखि दे आउ आपन राइट इन कमेंट बॉक्स ऑन व्हिच सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू सी वीडियो इन नेक्स्ट टाइम थैंक्स फॉर वाचिंग बाय.